देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 7 चरण की विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग आज संपन्न हो गई। देश की इन 5 राज्यों का चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएगा। इस दिन से ही पता चलेगा कि वहां किस पार्टी की सरकार बनेगी। आइए जानते हैं टॉप 5 एग्जिट पोल के अनुसार गोवा में किसकी सरकार बनेगी। गोवा में विधानसभा की 40 सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। टाइम्स नाउ वीटो एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में त्रिशंकु विधानसभा बनती दिख रही है। टाइम्स नाउ एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें, आप को 4 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को गोवा में सत्ता बरकरार रहने की संभावना है और वो 16 से 22 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 11 से 17 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी होगी, हालांकि आपको झटका लग सकता है, लेकिन 2 सीटें जीत सकती है। ETG रिसर्च के आंकड़ों पर गौर करें तो गोवा की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। गोवा की कुल 40 सीटों में से जहां बीजेपी को 18 मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 17 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं आपको 2 और अन्य को 3 सीटों के साथ संतोष करना पड़ेगा। ABPC वोटर के एग्जिट पोल में गोवा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुमत से पीछे नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के गठबंधन के हाथ में सत्ता की चाबी दिख रही है। ममता गठबंधन जिसके साथ उनकी सरकार बनने की संभावना है, किसे कितने सीटें? कुल सीटें 40, बीजेपी 13 से 17, कांग्रेस 12 से 16, आप 1 से 5, TMC 5 से 9, अन्य 0 से 2। PMARC एग्जिट पोल में गोवा में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी कड़ा मुकाबला है। पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस GFP गठबंधन दोनों के ही 13 से 17 सीटें जीतने का अनुमान है। आपको राज्य में 2 से 6 सीटें जीतने की संभावना है, अन्य को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। राज्य में बीजेपी को 29% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 28.2% वोट हासिल हो सकता है। आम आदमी पार्टी को 15.5% वोट मिल रहे हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।